शहीद आजम भगत सिंह दे जद्दी पिंड खटखट कलां च मनाया शहीदी दिहाड़ा। शहीद आजम भगत सिंह अते उन्होंने साथियां राजगुरु ते सुखदेव दे शहीदी दिहाड़े मौके शहीद भगत सिंह दे जद्दी पिंड खटखट कलां विखे मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल समेत वख-वख राजसी धार्मिक अते समाजिक जथेबंदियां दे आगुआं तों इलावा नौजवानां औरतां अते बच्चियां ने भी शहीद भगत सिंह दे बुत ते फुल मालावां भेट करदे होए अपनी श्रद्धा दे फुल भेट कीते। इस मौके ते पत्रकारां नाल गलबात करदे होए सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि शहीद भगत सिंह वालों जो सुपने देखे गए सन वो अजे तक सिरजे नहीं गए। अज असीं सत्कार शहीदां दे सरदार सरदार भगत सिंह जी नूं श्रद्धा दे फुल भेंट करन वास्ते अज आजादी मिली है। ये महान शहीदां दी शहादत दे करके मिली पर उन्होंने कुछ सुपने सन कि उन्होंने अपनियां जानां नशावर कीतियां फांसियां दे तख्ते चुमे। उन्होंने सी कि जो देश आजाद हो गया तो ना इत्थे गरीबी रहेगी ना अनपढ़ता रहेगी ना बेरोजगारी रहेगी ना महंगाई रहेगी ना करप्शन रहेगी और सारे देश के लोगों को वो सहूलत मिलनगियां जिहड़ियां आजाद शहर के आजाद मुल्क के वासियों को होंगे पर अज उन्होंने सुपने जोड़े है चकना चूर हो गए क्योंकि सारिया चीज़ा अज जाना निशाना से कोई भी पूरी नहीं। अज हिंदुस्तान हत की गरीबी है बेरोजगारी है करप्शन है लालटा और महंगाई है सारिया तकलीफा लोग। इस तरह कांग्रेस की विधायिका श्रीमती गोरे इकबाल कौर ने भी अपने श्रद्धा के फुल भेट करते हुए शहीद भगत सिंह की कुरबानी को याद किया। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी जिहड़े कि परी जवानी दे विच अपने देश दे लई जो अपनी फीलिंग्स रखते सन महसूस करते सन उन्होंने देश दे कारण कुरबानी दित्ती। अज उस महान बच्चे नूं असी सारे मिलके शहीद नूं नाल उन्हां दे साथी राजगुरु सुखदेव सब नूं इत्थे श्रद्धांजलि देण आया। बहुत फर्क पै गया उस टाइम की सोच का और अज की यूथ का सो उन्हां तो प्रेरणा लैके उम्मीद करती हाँ कि साडा अज का यूथ जरूर पंजाब नूं जगाउण च पंजाब नूं अगे वधाउण च भरपूर मदद करेगा और धन है उन्हां दी माता विद्यापति उन्हां दे पिता जी किशन जी उन्हां दे चाचा जी जिन्हां दे परिवार च इहो जिहा हीरे वर्गा बच्चा जन्मिया जिन्हां ने कि अच्छे इंसानियत दे गुण नाल उन्हां दे विच अच्छे मानवीय गुण समाजिक गुण और देश भगती दे गुण पैदा किते। तो अज जरूरत है उस तरह दे बच्चियां दी साडे समाज नूं ताकि समाज वधिया तौर ते चंगे पासे वल नूं जावे। होरना तो इलावा इस मौके ते शहीदां नूं अपनी श्रद्धा दे फुल भेट करन लई पुज्जे शहीद सुखदेव दे भतीजे सुभाष थापर विनोद थापर ते नरेश थापर ने कहा कि अज तक शहीदां दे सुपनियां दा भारत नहीं सिरजिया जा सकिया। Let's go! 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 Let's go!
अज जी शहीदी दिन के उत्ते आके सानू बड़ी एक माण महसूस हो रहा, बड़ा फख्र है कि असी उस फैमिली नाल बिलोंग करते हैं। असी शहीद सुखदेव के रिश्ते भतीजे लगते हैं। अज जो असी महसूस करते हैं कि मुल्क बड़ी तरक्की हुई, सब कुछ होया, लेकिन अगर सारी गल में एक गल कहां कि रोशनी बांट ली उभरे हुए मीनारों ने, पस जरों के मुकद्दर में फिर वही रात आई। जड़े उन्होंने लोगों की जिन्हों लोगों ने कुर्बानियां कीतियां, उन्हों की एक बड़ी सोशलिस्ट सोच सीगी और वो ये चाहते थे कि जो भी ये साड़ी जल्दी आज़ादी आवे और जड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम साढ़े ते चरण जो भी चरण आउट करे वो एक आम आदमी तक वो गेंस पहुँचने चाहिए है। लेकिन अज जो इस सिस्टम ने पैदा किया, करप्शन, अनइंप्लॉयमेंट और मिस गवर्नेंस, मैं खास करके अज के दिन के उत्ते कहूँगा कि देखो उन्हां लोगों दी की उम्र सीगियां, 23-24 साल दी उम्र, शहीद सुखदेव की उम्र 23 साल, पंजाब दे विच रिपब्लिकन आर्मी जिहड़ी उन्होंने बनाई सी अपनी, वो ऑर्गेनाइजर सीगे शहीद भगत सिंह की। अगर डायरी उस कढ़ो तो वो डायरी उन्होंने खुद लिखा कि अगर सुखदेव ना हुंदा तां शायद भगत सिंह ना हुंदा। ये दोनों परिवार बचपन तो ही इकट्ठे सीगे और वो दोनों तो ही ये दोनों जो नौजवान से बचपन तो लैके नैशनल कॉलेज लाहौर तक इकट्ठे पढ़े, इक्को जी उन्हां दी सोच, और उन्होंने दुनिया की कोई ऐसी रेवोल्यूशन की किताब नहीं सी जी उन्होंने ना पढ़ी होवे, और वो इन्ने वैल रेड आदमी सके और उन्हां दी एक पक्की सोच सी कि हिंदुस्तान दे विच सोशलिस्ट सोसाइटी एस्टैबलिश करनी है जिदे नाल हर किस्म का जड़ा एक लोअर तो जो छोटे तो छोटा आदमी है वो मैं वो इस मुल्क दा बछिंदा होंदा एक फख्र महसूस करे और वो महसूस करे कि हर किस्म के जड़े जड़े सिस्टम की जी गेंस जड़े है जी साड़ी सारा टर्न आउट हो रहा है वो कुछ हिस्सा उन्होंने भी मिल रहा है जड़ा कि अज बड़ी बुरी तरह मिसिंग है। तो अज मैं उन्होंने नौजवानों को कहूँगा जी आने वाली पीढ़ी है बड़ी पढ़ी लिखी पीढ़ी है वो इस गल के उत्ते पूरी अपनी सोच रखन, पूरी जागरूकता रखन और इस गल पर खास ध्यान देन कि वह वोट किनू दे रहे हैं। अज के नौजवान वोट की इंपोर्टेंस समझना बड़ा जरूरी है, फुल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए है वोट के विच और पूरी ये जजमेंट दे के कि उस आदमी का किरदार की है, उस आदमी की सोच की है। कोई आदमी हर आदमी चाहिए कि धर्म तो उठ के, जातिवाद तो उठ के, कम्यूनलिज्म तो उठ के, ये सारिया चीज़ा सोचा तो उठ के एक नवी चीज़ पैदा करनी। अज तक इन्होंने पार्टियां ने सानू इन्होंने लाइनों गुमराह किया और सानू वंडी रखिया। मैं कहूँगा अज असी बिल्कुल ये देखना कि असी किस धर्म ना बिलोंग करते हैं, किस कास्ट ना बिलोंग करते हैं, कि इक्को चीज़ देखनी है मुल्क का फायदा किदे विच है, किहड़ा आदमी है जिहदी कंपीटेंस है वो अपनी रिप्रजेंट करने की कपैसिटी रखता है, वोट सिर्फ उन्हें जानी चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। असी उन्हां चीज़ां दे दोस्तों साढ़े वो पैरोकार सीगे, सानू ओहो जी सोच रखनी चाहिए। थैंक यू। इस मौके आम आदमी पार्टी वालों एक मार्च भी कढ़िया गया। इस मौके छोटे छोटे बच्चों ने भी शहीद भगत सिंह की सोच से पैरा देने का प्रण करदे कहा कि वह बड़े होके उन्होंने सुपनों को पूरा करने का यतन करेंगे। असी भगत सिंह दे अधूरे सुपने पूरे करांगे ते असी भगत सिंह जी दा पिंड देखणा है। इस मौके उन्हां शहीदां वालों देश खातर कीती कुर्बानी नूं कविता राहीं गा के भी सुनाया। की सी उदम सिंह सूरमे दे सुपने सराबे ने किताब केड़ी पढ़ी सी, रख के सराने पसतौल सण वालिआं नूं दस्सिओ ना जंग किवें लड़ी दी, रख के सराने पसतौल सण वालिआं नूं दस्सिओ ना जंग किवें लड़ी दी। आंदा सी उदम सिंह नूं तलैणा बदला ताही रहिआ 21 साल जागदा, ताही रहिआ 21 साल जागदा, ताही रहिआ 21 साल जागदा। आंदी कि मैं नींद ना पलगां दे उत्ते हाए अखां नूं सिखू दिंदा वागदा, अखां नूं सिखू दिंदा वागदा, अखां नूं सिखू दिंदा वागदा। लैणा सीगा उहने अडवार कोलों बदला कदों दा उड़ीकदा सी घड़ी सी, रख के सराने पसतौल सण वालिआं नूं दस्सिओ ना जंग किवें लड़ी दी, रख के सराने पसतौल सण वालिआं नूं दस्सिओ ना जंग किवें लड़ी दी। अग नाल खेडणा ते मौत नाल लड़ना दुनिया ते वैर लाही जाणदा, दुनिया ते वैर लाही जाणदा, दुनिया
गोली अगे खड़ना ते घूम लई अड़ना कैप्टन जैक्सन होइयो जानदा कैप्टन जैक्सन होइयो जानदा कैप्टन जैक्सन होइयो जानदा एट नाल एट खड़का दित्ती सीगी सिंगा सरदार उस घड़ी दी रख के सराने पास धौल सौण वालियां नूं दस्सियो ना जंग किवें लड़ी दी रख के सराने पास धौल सौण वालियां नूं दस्सियो ना जंग किवें लड़ी दी रख के सराने पास धौल सौण वालियां नूं दस्सियो ना जंग किवें लड़ी दी रख के सराने पास धौल सौण वालियां नूं दस्सियो ना जंग किवें लड़ी दी इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। इस दौरान श्रोमणी अकाली दल ते कांग्रेस वालों सियासी कानफ्रेंसा भी करवाईयां गईयां। श्रोमणी अकाली दल वालों करवाई गई भरमी रैली नूं मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल तो इलावा लोक सभा हल्के दे उम्मीदवार प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ते होरना आगुआं ने भी संबोधन किया। इस तरह कांग्रेस की रैली जो हाजरी पक्षों अकाली दल के मुकाबले विच फिक्की रही नूं साबका वित्त मंत्री सरदार लाल सिंह सरदार सुखपाल सिंह खहरा ते विधायक मुहम्मद सदीक आदि ने संबोधन किया। उधर नौजवानों च शहीद भगत सिंह प्रति खास जज्बा ते उत्साह देखने को मिला। इस मौके नौजवानों ने जिथे शहीद भगत सिंह दीयां तस्वीरां वालियां टी शर्टा पाईयां होईयां सन ते उन्हां दे स्टाइल की पगड़ी सजाई हुई सी। इस मौके एक नौजवान चरणजीत सिंह ने अपने खून नाल शहीद भगत सिंह की पेंटिंग बना के उन्हां प्रति अपने सत्कार का प्रगटावा किया। चरणजीत सिंह ने दसिया कि शहीद भगत सिंह की कुर्बानी नूं लै के उन्हां दे मन विच शुरू तो ही एक खास तरह का जज्बा सी। अज उसने अपने खून नाल ये पेंटिंग बना के उन्हां दे देश भगती दे जज्बे नूं एक तरह नाल सजदा किया है। सर मेरा नाम चरणजीत सिंह है। मैं चाहते एक बार डिस्कवरी देख रहा एक आस्ट्रेलिया का जॉन सीगा उन्हें की किया अपने ब्लड के इंजैक्शन लेंदा सीगा तो उन्हें पेंटिंग बनाई सी। उस टाइम मेरे दिमाग में आया मैं भी कुछ अपने देश लिए कुछ इस तरह का करा ता कि कोई सारे सामने आए। इसलिए मैं बिल्कुल ये लाइव ब्लड के नाल बनाई है एकदम सीधे ब्लड के नाल बनाई है जो अज तक वर्ल्ड किसी ने नहीं किया। इस करके मैं सारे दसिया भी उपरों बनना नहीं अपने अंदर का भगत सिंह अज भी जिंदा आ। नवी पीढ़ी में मैसेज देना चाहता भी जी अज की पीढ़ी नशे जो लगी है बहुत ही ज़्यादा नशे गुवाची जा रही है। इस तरह अपन नहीं करना चाहिए। इस तरह जो भी अपनी जो भी जवानी अपनी गुवा रही अजकल नशे बिल्कुल ही देश प्यार घटी जा रहा है। इस करके मैं यही सिक्ख्या देना चाहना सारा अपने नशे त्यागो तो जो भी देश भगत भी जागो। भाई जिदा अं जलंधर तो इतने आए थे देखने जिदा अच्छे शहीद पुरब है सरदार भगत सिंह जी का जिदा तो सारे पास देखे जो अं इधर जद्दी घर देखना आए थे इतने एक नौजवान मुंडा सगा अपने ब्लड के नाल एक अलग चीज़ देखने को मिली है जिदा जी अपने खून के नाल सरदार भगत सिंह की पिक्चर बनाई है जिदा उन्हें मैं पहला देखा काम जी इदा मतलब कहने का भाव हजे भी नौजवानों के बच्चे जिते चलो मानते हैं पंजाब नशे नाल बहुत पंजाब प्रभावित होया हजे भी नौजवानों के दिल में देश भगती की भावना हैगी है जिहड़ा अपने ब्लड के नाल सरदार भगत सिंह की पिक्चर बनाई बहुत वधिया काम किया जी तो बहुत खुशी हुई देख के जी नौजवानों के हजे भी देश भगती लिए प्यार हैगा तो सरदार भगत सिंह उन्होंने दिल से हजे भी धड़कता जी। इस मौके शहीद भगत सिंह के जद्दी घर वेखण लई भी लोगों च खास उत्साह सी ते उन्हां शहीद भगत सिंह के पुरखियां दी अवस्था जिवें आटा पीसण वाली चक्की मंजा कुर्सी संदूक ते वर्तना आदि नूं बहुत रीझ नाल देखिया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। अज असी शहीद आजम सरदार भगत सिंह के जद्दी घर खटकड़ कलां विखे हाँ जिसनों देखने दे लई वड्डी गिनती च नौजवान हर वर्ग के लोग आ रहे हैं उन्होंने उन्हां दी कुरबानी नूं सजदा करन दे लई। अज असी न्याणियां नूं यही दसण आए हैं दसांगे तो तदे पता लगेगा भगत सिंह बारे की सीगा भगत सिंह जे सवाल करदे न्याणे पुछदे आ की सी कित्थे दा सी कौन सी उहने की कीता का ते इन्ना भगत सिंह दा मेला लगदा उहदे बारे न्याणे नूं दसणा चाहीदा आ आपां नूं।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਬਸਤਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਲੇ ਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਗਾਹਾਂ ਤਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਕਾਹਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਬੜੀ ਕਰ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਿਖਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ 24 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਟ 24 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਖੜਗੜ ਕਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗਏ ਰੈਜੀਡੈਂਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਚੱਲਣ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ